कोटा मतलब पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे माहौल मिलता है। बच्चों को पढ़ते हुए देख के हमारा भी दिल करता है कि हम पढ़ाई करें। कोटा बहुत पॉपुलर है ना, अपने सिटी से बाहर जाना था। अच्छा, सिटी से बाहर जाना था इसलिए कोटा कोटा चुना मैंने। अच्छा, जब जाना ही है तो बेस्ट। हाँ बेस्ट, अगर जो कोई अफोर्ड करता है कोटा आने के लिए तो जेई IIT और नीट के लिए बेस्ट है। तो वेलकम गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पर। और जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम आपको कोटा की लाइफ से रूबरू कराएंगे, आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे कोटा में प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, और उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि वो अपने बच्चों को कोटा भेजना चाहते हैं तो उन्हें ये जानने का डाउट रहता है कि यार कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। और यही बात बच्चे भी जानना चाहते हैं कि कोटा का एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। अब इस चीज पर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे, बट वो जो व्यूज होते हैं या जो रिव्यूज होते हैं वो एक जो यूट्यूबर होता है उसके थ्रू होते हैं। मैं आज आपको जो रिव्यूज दूंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। कैसे प्रैक्टिकल होगा? आज जो ऑलरेडी बच्चे कोटा में आ चुके हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाएंगे, वहां पर बच्चों से बात करेंगे, उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे और उनके आंसर जानेंगे, क्योंकि ये जो फीडबैक आएगा ये एकदम जेन्युइन फीडबैक होगा और आपको हेल्प करेगा कि कोटा की एजुकेशन सिस्टम किस तरह से काम करती है, किस तरह से वर्क करती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये झारखंड से हैं। अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे जो बच्चों के माइंड में रहते हैं। झारखंड से कोटा के बारे में कैसे, यानी कि क्या सोचा आपने और कैसे आपको लगा कि कोटा आना चाहिए? बहुत नाम भी सुना था कोटा का और बहुत रिलेटिव लोग भी यहाँ पढ़ के जा चुके हैं। मैंने कोटा इसलिए चुना क्योंकि मेरे सिटी में कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जो IIT या नीट के लिए प्रिपरेशन करा सके, इसलिए मैंने कोई अपने सिटी से बाहर जाना था। अच्छा, सिटी से बाहर जाना था इसलिए कोटा कोटा चुना मैंने। अच्छा, जब जाना ही है तो बेस्ट। हाँ बेस्ट। अच्छा, कोटा इज द बेस्ट फैकल्टी। कोटा मतलब पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल मिलता है, और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कई बच्चे रहते हैं, आते हैं कई, मतलब मैंने भी देखा है कई लोग निकालते हैं यहाँ से, आगे मैक्सिमम टाइम जो है बच्चे यहीं से निकलते हैं। माहौल है, अच्छी पढ़ाई होती है, यानी माहौल के बारे में सुना था, अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, अपने दोस्तों ने बताया हमें कि कोटा बेस्ट है, और बहुत जगह से मैंने सुना भी पहले से भी मुझे था कि हाँ कोटा आना है, क्योंकि यहाँ का जो यहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ पूरे कंट्री के क्रीम बच्चे आते हैं, क्योंकि सब लोग थोड़े आ जाएगा कि वो देना पड़ता है ना टाइम, हाँ या फिर पेरेंट्स को बिलीव देना पड़ता है कि हाँ कोटा के लिए हम ये है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे जितने बच्चे वो प्योर हैं तो इससे मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव में बड़ा हेल्प है, कॉम्पिटिशन अच्छा मिलेगा। कुल मिला के आपका कहना ये है कोटा, क्योंकि कोटा में बहुत यानी वो माहौल मिलता है। मेरे बहुत सारे कजन थे जिन्होंने कोटा में मतलब प्रिपरेशन करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाया था, तो फिर उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप अपने क्लास 11th एंड 12th के लिए आप कोटा में मतलब कि जाके वहाँ प्रिपरेशन करें, यहाँ का स्टडी पैटर्न जो है मतलब वो अच्छा है बाकी जगहों से। कोटा आना बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट JEE और नीट का रिजल्ट बेस्ट आता है, और यहाँ पे कोचिंग भी बेस्ट है। कोचिंग बेस्ट है, रिजल्ट बेस्ट है। ओके, कोटा सिटी में आकर आपको क्या एडवांटेज लगा, यानी आप जब वहाँ से आए तो आपको यहाँ की क्या एडवांटेज लगा जो आपके शहर में शायद आपको नहीं मिलता? यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, जैसे शांति ज़्यादा फंक्शन वगैरह भी यहाँ होते नहीं हैं, और यहाँ सारे स्टूडेंट भी हैं तो वो पढ़ाई का सही माहौल है। अच्छा, तो मैंने घर पे एक्सपीरियंस किया था लेकिन उसका वहाँ पे इतना माहौल नहीं पाता है, तो उद्देश्य यही है यहाँ भी आके टीचरों से इंटरेक्ट होते हैं हम लोग, यहाँ पर बस यही बेस्ट है यहाँ। अच्छा, छोटा है, अच्छा है, यहाँ माहौल मिलता है, बच्चों को देख के मन करता है कि पढ़ाई करें, घर पे वो पढ़ाई नहीं हो पाती दूसरी बात। एडवांटेज मेरे को मतलब कि यहाँ का जो टेस्ट पैटर्न है अपना कोचिंग का, इन सबसे मतलब लगता है, और क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, टीचर भी अच्छे हैं, मतलब फैसिलिटी अच्छी है, इसलिए कुछ अच्छी कोचिंग है और अच्छी कोचिंग है यहाँ पर जो शायद आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलती। अच्छा, एडवांटेज तो बहुत सारा है और वही है, मैटर वही है कि जो शहर में नहीं मिल पाता है कंपटीशन, वही सेम एडवांटेज है कोर्ट यहाँ पे आने का। ठीक है, एडवांटेज तो बहुत सारे, यहाँ कंपटीशन हाई है और पढ़ने का माहौल भी है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी,
मैंने जैसा कि ये सुना था कि वहाँ पे खाना सही नहीं मिलता। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सही है, खाना सही है, पढ़ाई तो और सही है। मैंने ये भी सुना था कि जो ये कोटा है वो टॉपर्स के लिए होता है। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए, सबके लिए सारे आ सकते हैं। वेरी गुड। नहीं, मेरी तो एक्सपेक्टेशन जो थी वो बिल्कुल हो रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं लगा कुछ। हाँ, वो हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, जैसे बहुत सारे मैटर, दो मैटर है जिससे मैंने दो टर्म्स इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है हमें। और रहा बात पढ़ाई का, पढ़ाई अच्छा, टीचर भी अच्छे ही हैं, जैसा नाम सुना था वैसे तो वो लोग कर ही रहे हैं। रियलिटी तो यहाँ पे बहुत, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है यहाँ पे, जिस बाहर हम लोग कॉलेज वॉलेज में जाते हैं वैसे यहाँ पे सीखने को बहुत। बच्चों को सजेस्ट करना चाहोगे कि जो बच्चे अपने घरों से प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी अपनी सिटीज में, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट तो हर जगह मिल जाते हैं, तो उन्हें कोटा आना चाहिए या फिर अपनी सिटी से ही वो प्रिपेयर कर सकते हैं? अब वैसे तो उनकी मतलब चॉइस है कहाँ से प्रिपेयर करना चाहे, बाकी मेरे मतलब कोटा मतलब बहुत सही है। कोटा, कोटा यानी माहौल देगा बाकी लोगों को। हाँ हाँ, वो तो फिर हाँ, मतलब हम तो चाहेंगे कि आए, बट वो तो उस पर डिपेंड करता है कि वो अगर कर सकता तो कर। जो पढ़ने वाला होता है वो तो कहीं से भी पढ़ लेगा, लेकिन यहाँ पे सही माहौल मिलता है, कॉम्पिटिशन है तो वो भी थोड़ा पुश करता ही है। अगर अफोर्ड कर सकते तो आना ही चाहिए। जी, आप कोटा आए, अच्छा है, यहाँ माहौल मिलता है, बच्चों को देख के मन करता है कि पढ़ाई करें, घर पे वो पढ़ाई नहीं हो पाती दूसरी बात। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बिल्कुल आना चाहिए। अगर जो कोई अफोर्ड करता है कोटा आने के लिए तो जी IIT और नीट के लिए बेस्ट है कोटा। हाँ, बेस्ट है कोटा, इज द बेस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि कोटा एजुकेशन सबसे बेस्ट है, और बच्चों से हमने हर तरह के क्वेश्चन पूछे और यही पाया कि कोटा एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं है, यहाँ के टीचर्स का कोई मुकाबला नहीं है। बट एक चीज भी हमने जानी कि कोटा एजुकेशन को अफोर्ड करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और इसी थीम पर हम अपना काम करते हैं, यानी कि नीट सारथी कोटा। नीट सारथी कोटा आपको कोटा की वो बेस्ट जो फैकल्टी है वो आपके घर तक आएंगे, यानी कि सर उनके रिकॉर्डेड लेक्चर, उनकी टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आप अपनी किसी भी टॉपिक की कंसेप्चुअल वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को लर्न भी कर सकते हैं, और उसे प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज के थ्रू आजमा भी सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नीट सारथी कोटा जाके आपको सर्च करना है, जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, काफी कंटेंट फ्री में है, और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।